नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करेंगे इंफोसिस के स्टॉक के बारे में। इस शेयर की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कल ये स्टॉक एक्स डे ट्रेड करता हुआ देखेगा आपको बाजार में। लगभग 16.5 रुपये पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करा था, जो कि इंटर्म डिविडेंड है, यानी कि आप लोगों की बैंक तक बहुत जल्दी ये पैसा पहुंचेगा। तो जिसने भी कल या फिर पहले से खरीद रखा है तो वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। एक सिंपल सा सवाल होता है कि भाई अगर हम कल के सेशन में खरीदेंगे तो क्या हमें डिविडेंड मिलेगा, तो इसका जवाब है नहीं, आपको नहीं मिलेगा। मैंने आप सभी के साथ ये चीज़ संडे वाली वीडियो में ही शेयर करी थी कि आपके पास एक दिन का समय होगा इस स्टॉक में खरीदारी करने का, 2 दिन का इनफैक्ट, एक मुहूर्त ट्रेडिंग और एक कल के सेशन में। जिसने खरीदा उसे डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज अब आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। आज मार्केट बंद है, कल एक्स डे ट्रेड करेगा, तो जिसने पहले खरीदा है वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में, अगर आपके पास पोजीशन है तो कैसे मेंटेन करनी चाहिए, फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो क्या यहाँ खरीदारी कर सकते हैं, और अगर है तो क्या करना चाहिए। इन सबसे बड़ी बात, आजकल जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है वो ये चल रही है कि यूके के न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी वाइफ जो है वो जो इंफोसिस के को फाउंडर है नारायण मूर्ति, उनकी डॉटर है। तो ये एक रिलेशन हो गया है, तो ये अपने आप में एक ब्रेकिंग न्यूज बन के सामने आ रही है। और जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी वाइफ के पास, अक्षता मूर्ति जो है उनके पास लगभग इंफोसिस के 0.93% का स्टेक है, और इस स्टेक से उन्होंने पिछले एक साल में केवल डिविडेंड से 126.6 करोड़ रुपीस कमाए हैं। 16.5 रुपये पर शेयर का ये डिविडेंड और लास्ट 16 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड अगर दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये लगभग 32.50 रुपये का डिविडेंड होता है, जिससे उन्होंने लगभग 126 करोड़ रुपये पर शेयर का 126 करोड़ रुपये टोटल कमाए हैं। और कहीं ना कहीं इंफोसिस के को फाउंडर नारायण जी की तरफ से भी जो उनके नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनको बधाइयां गई हैं, और उन्होंने कहा ये हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगे, हमारे लिए मींस पूरे नेशन के लिए, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम के नेशन के लिए, तो ब्रिटिश। तो ये एक काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस समय मार्केट में चल रही है जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। अब आते हैं इंफोसिस के स्टॉक के बारे में डायरेक्ट, कि आपके पास पोजीशन है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसके बारे में अगर आप सभी के साथ शेयर करूं तो इंफोसिस का शेयर ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास पहुंचता हुआ दिखा है, 1540 का इस स्टॉक में यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस नजर आता है। अगर किसी के पास पोजीशन है और वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडिया के हिसाब से बाय करा था तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब यहाँ से एक डिप देखने को मिल सकती है आपको, जो डिप अराउंड 1480 टू 1440 तक स्टॉक को नीचे में ले जा सकती है। अब बात करते हैं मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म निवेशकों की, तो इनकेस अगर ये स्टॉक कोई भी डिप दिखाता है, यानी 1480 टू 1450 के आसपास की, तो आपको दबा के खरीदना चाहिए, फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, और जो खरीदारी करना चाहते हैं वो डेफिनेटली खरीद सकते हैं उन लेवल्स पे, यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा आप सभी के साथ, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न ये है कि दोस्तों अभी काफ़ी बढ़िया रैली बनी है स्टॉक में, जब से स्टॉक के रिजल्ट्स आए हैं। स्टॉक के जब रिजल्ट्स आए थे स्टॉक अराउंड 1380 पे ट्रेड कर रहा था, वहाँ से आप अगर कंपेयर करें, काउंट करें, तो लगभग मोर देन 10% की रैली आप सभी ने देख ली है शेयर में। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ओवरऑल ये स्टॉक मेरी प्रेफर्ड लिस्ट में सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे आईटी स्टॉक्स में इंफोसिस ही पसंद है, एंड सेकंड नंबर पे टीसीएस सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है आने वाले 2 से 2.5 साल में ये स्टॉक यहाँ से आपका पैसा मल्टीफोल्ड कर सकते हैं। मल्टीफोल्ड मीन्स लगभग, मतलब 50% की समथिंग का इतना लार्ज कैप स्टॉक आपको पैसा बना के दे सकता है विदाउट एनी रिस्क। और आपको एक चीज बता दूं मैं, कंपनी ने बायबैक अनाउंस करा है, जो कि अपने आप स्टॉक के प्राइस में सपोर्ट देगा। जब भी गिरावट होगी तो आपको बायबैक के चलते स्टॉक में जो ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिखेगी। प्रीवियस हिस्ट्री भी ऐसी सजेस्ट करती है कि जब भी कंपनी बायबैक करती है तो 12 से 21-22% की रैली देखने को मिलती है आप सभी को। और बायबैक जो होता है ओपन मार्केट से, वो ओपन मार्केट से बायबैक का मतलब ये है कि स्टॉक के प्राइस की डाउनसाइड कम करना, क्योंकि जब भी गिरे तभी खरीद लो। तो होप आप लोगों की सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओवरऑल सिर्फ एक ही बात कहूँगा, जो भी इंफोसिस में निवेश कर रखा है आप अपने निवेश में बिल्कुल भी ना डरें। चाहे आपने 1700 रुपये से भी खरीदा है ना, तब भी डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाजार की गिरावट में आपको मेरे जैसे और बहुत सारे लोग आएंगे और ऐसा कहेंगे भाई ये स्टॉक खत्म हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, 1100 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और जो भी टारगेट मुँह से निकलना है निकलेगा। वो एक तरीके से क्लिक बैट होती है, मतलब पब्लिक को डर लग रहा है, क्लिक बैट हो रही है, आप देख रहे हो। वो हर यूट्यूबर करता है, चाहे इन्फ्लुएंसर के रूप में मैं हूँ या कोई और हो, बट बातें बताने वाली जो है वो शायद हर कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि
जितनी ज्यादा रीच मिलती है उतने ज्यादा व्यूज मिलते हैं ना, उतनी ज्यादा उनके पास लोगों के पास उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। और हर बंदे का मोटिव होता है शेयर मार्केट से फाइनेंशियल वीडियो जो बना रहा है, हर बंदे तक हमारी बात पहुंचे। तो मेरा सिंपल सा इतना मतलब है कि अगर आपने इन्फोसिस के स्टॉक में लॉस बुक करा है या करने की सोच रहे हो, तो आप फिर स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक से पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि ऐसे स्टॉक नहीं मिलते हैं कि आप खरीदो और ऊपर जाने लगे, आप बेचो तो नीचे आने लगे। आपके खरीदने के बाद नीचे भी जा सकता है वो स्टॉक, बट अगर आपने लिया है तो आपका कॉन्फिडेंस काम करना चाहिए उस समय, आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मैं अगर नीचे जाएगा तो कैसे काबू करूंगा अपने आप को। इसीलिए SIP करवाते हैं कि हमें प्राइस मतलब ही नहीं है, हमें हर प्राइस पे पैसा लगाना है। होप आप लोगों को समझ में आई होगी सारी बातें। मेरे हिसाब से इन्फोसिस लॉन्ग टर्म के लिए एक प्रेफर्ड पिक रहेगी मेरी, जहां पे मुझे लगता है 1800 टू 1850 के आपके लिए टारगेट्स होंगे मेरे आने वाले कुछ महीनों में, कुछ महीने से मतलब 12 से 15 महीनों में, यानी एक डेढ़ साल के करीब आप होल्ड करिए, अच्छा पैसा बनेगा। तो ये मेरी वीडियो इन्फोसिस के स्टॉक को लेकर, होप आप लोगों को समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।